हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का यूनिक सी सेंटर पे अगेन स्वागत है। तो आज के हम एक नई वीडियो के साथ आगाज़ करेंगे और वो जो टॉपिक होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने इससे पहले के पार्ट मतलब सेकंड पार्ट को नहीं देखा तो आप लोग फाइनली क्या उस पार्ट को देखिए, ताकि जो आपके सारे टॉपिक्स होंगे उससे, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि बाज़ार क्या होता है, फिर मतलब पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार मैंने बताया था, फिर मैंने एकाधिकार बाज़ार और फिर एकाधिकारी, सारे के सारे जो टॉपिक्स थे हमने उसको ईजिली कवर किए थे, उसकी विशेषता वगैरह को, और हर एक टॉपिक को मैंने बड़े डिटेल में पढ़ाया था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फाइनली क्या करिए कि आप लोग जाके पहले उस वीडियो को देखिए और तब जाके इस वीडियो पे जम करिए, क्योंकि इससे तब आपको होगा, और ये हमारा जो होगा लगभग इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगी, और इसके बाद हम फाइनली क्या करेंगे, जो हमारा चैप्टर नंबर 13 होगा वो हम कंप्लीट कर लेंगे और फिर नई चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे। तो हमें इसमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो हमें देखना है कि अल्पाधिकार क्या होती है और उसकी विशेषता देखनी है, और फिर अल्पाधिकार के कुछ टाइप्स होते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि हमें पढ़ना क्या है इसमें, सबसे पहले अल्पाधिकार क्या होती है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसकी विशेषता क्या होती है, वो सारे के सारे टॉपिक हमें क्या यहाँ पर देखने हैं। तो चलिए हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, उन्हें जोड़िए। तो पहला टॉपिक है अल्पाधिकार बाजार की विशेषता। तो हम डायरेक्ट विशेषता पे ना जाकर क्या करेंगे, पहले उसकी डेफिनेशन को समझेंगे, उसका मतलब क्या होता है, अल्पाधिकार की मीनिंग क्या होती है, या फिर हम इंग्लिश से बोलते हैं ओलिगोपोली किसे कहते हैं। तो यहाँ पर सिंपल बात है, मैंने आपको ये भी बता दिया था कि अगर आपको डेफिनेशन देनी है तो उसकी जो दो विशेषता होगी, उस दो विशेषता में से कोई भी मतलब विशेषता जो होगी उसमें कोई दो से तीन पॉइंट उठा के आप क्या कर दीजिए, उसमें उसको आप दे सकते हो। तो यहाँ पर पहले आप बता दो कि अल्पाधिकार बाजार का वह रूप होता है जहाँ पर केवल कुछ विक्रेता होते हैं, क्या कह रहा हूँ, जहाँ पर कुछ विक्रेता होते हैं तथा क्रेताओं की संख्या अधिक होती है, या फिर आप कह सकते हो फर्मों के बीच अंतर्निर्भरता होती है, ये क्या होगी अल्पाधिकार। अब मेन क्वेश्चन आता है कि इसकी विशेषता क्या होती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं। तो फीचर्स देखिए, यहाँ पर फीचर्स क्या होते हैं, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, कुछ विक्रेता तथा क्रेताओं की अधिक संख्या। हाँ, अब आप लोगों को नोटिस करना है, इसको एग्जांपल से हम समझते हैं अच्छे से ताकि हमें क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर कह रहा है कि बेचने वाले क्या कुछ होंगे, अब कहोगे बेचने वाले क्या कुछ होंगे, कुछ विक्रेता का मतलब दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, दस भी, पचास भी, मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसके लिए कोई आपका डेटा कोई फिक्स नहीं है कि एक ही होगा दो ही होगा, कुछ का मतलब क्या 5, 10, 15, 20 हो सकते हैं। जस्ट एग्जांपल, अगर जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि ऑटोमोबाइल जो सेक्टर होता है क्या उसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, उसमें लिमिटेड है, या फिर अगर मैं आपसे पूछूं कोई आप शूज़ के ब्रांड बताइए तो आप नाइकी हो गए, ठीक है, फिर आपने देखेंगे और भी जो रिबॉक वगैरह हो गए, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं कि आप ब्रांड बता सकते हो, लेकिन अगर आप क्या 1000-1200 ब्रांड बता सकते हो, नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अल्पाधिकार होती है वो क्या होता है कि सबसे पहले वहाँ पर बेचने वाले क्या कम लोग होते हैं, और वहाँ पर क्या होता है खरीदने वाले लोग क्या होते हैं, क्रेताओं की संख्या क्या ज़्यादा होती है। अब सिंपल बात है, जब बेचने वाले कम होंगे खरीदने वाले क्या ज़्यादा होंगे, तो इससे मार्केट में क्या होता है कि उनकी कहने की जो पकड़ होती है तो क्या होगी, उनकी ज़्यादा होती है। दूसरी विशेषता कह रहे हैं फर्मों के बीच में अंतर्निर्भरता। अब ये इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, समझना ध्यान से, इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मार्केट है, मैं क्या कह रहा हूँ कि एक मार्केट है, उस मार्केट में मान लेते हैं कि पांच सेलर बैठे हुए हैं, कितने 5 या 10 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, और ऑलमोस्ट क्या होता है कि उन 5 सेलर का जो हो रहा है कि उनका जो पूरा का पूरा जो काम है वो एक जैसा सिमिलर है, बिल्कुल क्या है, बिल्कुल एक जैसा है। तो जस्ट अगर हम एग्जांपल के लिए मानते हैं कि एक फोटो कॉपी की दुकान है, जस्ट एक शॉप यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर, फिर ऐसे, तो ऐसे करके 10 से 15 मतलब 10-12 शॉप क्या एक साथ है। तो अब सोचिए यहाँ पर क्या होता है, देखो, तो अब यहाँ पर अगर बताइए, जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक शॉप वाला क्या फोटोकॉपी जो कर रहा है 5 रुपये पीस कर रहा है, दूसरा 4 रुपये कर रहा है, तीसरा 3 रुपये कर रहा है, या फिर चौथा 2 रुपये कर रहा है, और फिर जो पांचवा है वो क्या 1 रुपये कर रहा है, और फिर उससे पे जो छठा है वो मानते कि 80 पैसे कर रहा है। तो आप लोग मेरे को ये बताइए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बिक्री किसकी होगी जो 60 पैसे ही कर रहा है, ये हो गया। अब मान लेते हैं कि जो पहला वाला था वो जो 4 रुपये 5 रुपये कॉपी कर रहा था वो 40 पैसे कर दे, तो सारे के सारे जो वहाँ से कस्टमर होंगे वो सारे के सारे कस्टमर क्या इसके पास आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, देखो, इससे बेनिफिट किसका होगा, बेनिफिट कंज्यूमर का हो रहा है, सिंपल ही बात है, बेनिफिट किसका हो रहा है, कंज्यूमर का हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है कि अब यहाँ पर समझना आपको कि यही क्या होता है कि जो ये आपस में जब ऐसे काम होता है कि एक जैसा अगर इक्वलिटी मतलब सिमिलरली अगर कोई काम एक जैसे फर्म या फिर कोई कंपनी वगैरह काम करती है तो वो टोटली क्या होती है कि एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड होती है। क्यों? क्योंकि दोनों सामने वाले जो अपोजिट होते हैं उन्हें एक दूसरे का आइडिया नहीं होता कि कितना प्राइस गिरा दे। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो 60 रुपये
60 पैसे बेच रहा था फोटो कॉपी, लेकिन वो आ गया क्या, जो फर्स्ट 5 रुपये वो 40 पैसे पे आ गया। अब सोचो अगर जो दूसरा बंदा है वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि 30 पैसे में ले जा, 30 पैसे में फोटो कॉपी करो, और फिर चौथा जो कह रहा है जो 3 रुपये देता है वो 20 पैसे में कर रहा है। तो इससे इनका आपस में क्या होगा, इनके बीच में काफ़ी क्या होगा, मतलब एक कह सकते हो प्रॉब्लम है, कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। क्या होगा? कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। और ये और फ़ायदा कौन ले जाएगा, बेनिफिट्स कौन लेगा, बेनिफिट्स जो होगा ये क्या होगा, वो कंज्यूमर ले जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा, आप सोचो जो जो 5 रुपये बेच रहा होगा, ठीक है, क्या वो कभी फ्री में बांटेगा? नहीं, फ्री में नहीं बांटेगा। क्यों? क्योंकि उसका नुकसान है, क्योंकि वो भी कमाने खाने वाला बंदा है। तो यहाँ पर यही समझना ध्यान से कि जो अल्पाधिकार होते हैं तो उसमें जो फर्में होंगी, जो बेचने वाले जो सेलर्स होते हैं, वो टोटली क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, टोटली क्या होंगे, इंटर डिपेंड होंगे। अगला कह रहे हैं व्यापार गुटों का निर्माण। ये क्या होता है, व्यापार गुट का मतलब समझना ध्यान से, व्यापार गुटों का निर्माण का मतलब क्या होता है कि व्यापार गुट जो होते हैं कि एक समझौता टाइप का करना, समझौते का मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। जैसे कि कोई भी चीज़, वो पांच या छह लोग जो फोटो कॉपी वाले थे, तो वो फाइनली क्या होंगे कि क्योंकि अगर ये डेली ऐसा चलता रहेगा तो शायद उनका बहुत ज़्यादा लॉस होगा, और वो आपस में भी लड़ सकते हैं, आपस में क्या होता है, उनकी भिड़ंत हो सकती है, वो लड़ सकते हैं आपस में, एक दूसरे को मार पीट सकते हैं, ठीक है। तो ये होंगे, लेकिन इसका बेनिफिट क्या होगा, किसको फ़ायदा मिल रहा है, कंज्यूमर को। इससे उसका कोई मतलब नहीं कि लड़ाई कर रहे क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग फाइनली क्या करेंगे, जो वहाँ पर होते हैं वो 4-5 लोग जो होंगे वो क्या करेंगे, एक साथ मिलेंगे, वो कहेंगे भाई सिंपल बात है कि अगर हम एक जैसा काम करें तो क्यों ना हम एक मतलब एक व्यापार गुट बना लेते हैं, एक समझौता कर लेते हैं, और समझौते के द्वारा क्या करेंगे, एक प्राइस को सिलेक्ट कर लेते हैं, और उस प्राइस को क्या होगा कि आप भी मैं भी मतलब जितने भी लोग वहाँ पर काम करेंगे सभी उसी प्राइस पर क्या, सेम रेट पर प्राइस पर क्या काम करेंगे। तो अब इसी प्रकार को, इसी को समझौते को हम इंग्लिश में कहते हैं कर्टल कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्टल कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्टल कहते हैं। वो चीज़ आप याद रखना, कर्टल एक समझौता होता है जो उनके बीच में किया जाता है। अब इससे होगा क्या, अब देखो कर्टल बन जाएगा, तो कर्टल बन के मानते हैं कि उन्होंने डिसाइड किया कि जो फोटो कॉपी होगी वो 2 रुपये पर पीस होगी। तो अब कस्टमर चाहे पहले वाले के पास आए, चाहे दूसरे वाले के पास जाए, चाहे तीसरे वाले के पास जाए, चाहे चौथे पांच वाले के पास जाए, तो हर जगह फोटो कॉपी का रेट क्या होगा, सेम होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं कि इस अल्पाधिकार जो ओलिगोपोली मार्केट होती है उसके अंदर क्या करते हैं कि यहाँ पर कि वो आपस में करते हैं व्यापार गुट बना लेते हैं। अगला क्या कह रहा है, प्रवेश पर नियंत्रण। मतलब अब देखो यहाँ पर मार्केट में 5 या 6 बंदे बैठे हुए जो फोटो कॉपी आपस में कर रहे हैं। अब अगर सोचो उसमें 6ठा बंदा 7ठा बंदा अगर एंट्री मारेगा और वो सेम वहाँ पर बिजनेस करना चाहता है, तो इससे क्या होगा, उन 6 बंदों को जो 5 बंदों को उनको डर होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप ही सोचे कि जब नया बंदा आएगा तो अपने बिजनेस को स्टार्ट देने के लिए, ठीक है, किक अप देने के लिए क्या होता है कि वो सिंपल वाले प्राइस को थोड़ा सा अप डाउन कर सकता है, तो कहने की प्राइस देगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई न्यू फॉर्म्स एंट्री मारती है तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर उसका रिस्ट्रिक्शंस होगा। क्या होगा? रिस्ट्रिक्शन होगा, और रिस्ट्रिक्शन से क्या होगा कि वहाँ पर वो क्या कर सकता है, फिर मतलब नहीं आ सकती है। अब अगर कोई बाई चांस उसके अंदर आना भी चाहता है, मतलब मान लेते कोई काम है, ठीक है, वो आना चाहता है, तो फर्स्टली क्या करना पड़ेगा कि वो जो न्यू है, ठीक है, न्यू सेलर अगर मार्केट में आ रहा है कौन सी ओलिगोपोली में, तो उसे क्या करना पड़ेगा, सभी से पेटेंट करवाना पड़ेगा। अब पेटेंट क्या कहते हो, पेटेंट का मतलब एक राइट होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो अब मान लेते कोई अमेरिका का बाहर की कंपनी है, तो अगर सोचो कि अगर कोई इंडियन है, ठीक है, उसमें काम करना चाहता, मतलब उसके बिजनेस को उसके पार्टनरशिप करना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है कि इंडिया का मतलब व्यक्ति, वो डायरेक्ट कह सकता है उसके ब्रांड लोगों को यूज़ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो इलीगल काम हो जाएगा। अगर इलीगल होगा तो उसके ऊपर केसेस भी हो सकते हैं। लेकिन अगर क्या होता है कि वो इंडिया का जो बिजनेसमैन है उस चीज़ को फील्ड में काम करना चाहता है, तो वो क्या करेगा कि उससे वहाँ पर क्या करेगा, मैकडोनल्ड से उसका पेटेंट ले सकता है। अब पेटेंट लेने के बाद क्या करेगा वो काम, अब पेटेंट लेगा तो सिंपल बात है कुछ पैसा क्या होगा उसको वहाँ पर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी सेम होता है कि अगर कोई आता है तो उस पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पेटेंट लेना पड़ेगा, और बाकी के ऊपर क्या होता है, नियंत्रण होता है। अगर देखो मांग वक्र के निर्धारण में कठिनाई, क्या क्वेश्चन करें कि मांग वक्र के, जैसे इससे पहले हमने दोनों को पढ़ा था, ऋणात्मक मांग ढाल होता है या फिर आपने पूर्णता लोचदार होता है, वो सारे पढ़े थे। लेकिन जो ओलिगोपोली होती है यहाँ पर जो डिमांड कर बनेगा मांग वक्र, वो क्या होता है उसको डिसाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, सर बताइए क्यों नहीं कर सकते। तो सिंपल जो बात है, आप ही सोचो, मैंने क्या था कि अभी एक बंदे ने जो प्राइस था 5 का बेचता था वो 20 पैसे पे आ गया, दूसरा जो 4 रुपये बता वो 30 पैसे पे आ गया, जो 2 रुपये बेचता था वो 40 पैसे। तो मतलब किसी का हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि वो प्राइस को कितना डाउन कर सकता है? आप ही क्वेश्चन करिए, किसी को हम बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पर कि हम जो मांग वक्र इस वाली मार्केट में क्या होता है कि मांग वक्र को हम नहीं बना सकते हैं। तो इसका मांग वक्र क्या होता है, नहीं बनाया जाता। अगला देखिए हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, आप लोग भी वीडियो को लाइक करते रहिए। अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। अगर आपके कोई पर्सनल क्वेश्चन आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आप वहाँ पूछ सकते हैं।